अच्छा जहांगीर जी को भी मेरी रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज वो भी आ जाए क्योंकि उनके बिना तो ये जो पल है कार्यक्रम हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। बच्चे ना जोरदार ताली बजाओ। हाँ हाँ ये जब सब मिलके हम एक साथ मिलते हैं आजादी दिवस ये तो हमारे इंडिया के लिए भारत वर्ष के लिए गर्व की बात है ना। तो बच्चों के साथ मिलके बच्चे क्यों यहाँ पे सारे बड़े भी मौजूद है हम भी आए हुए हैं बाजी बात कितना मजा आ रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप इतने करके सबको हमारे खूबसूरत देश का फ्लैग जो है डिस्ट्रीब्यूट करें और उसके पहले आज इस मौके पे हम लोग आपको कुछ बोले बिना नहीं छोड़ेंगे। कुछ शब्द अगर आप बच्चों के बीच हमारे के बीच पहुंचेगी घर तक ही आपकी आवाज जाएगी तो ये ऑनर मैं आपको देना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सास्तियकार, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले शुरुआत में तो ये कहना चाहता हूँ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैग रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। पर आज जब ये बात मैं कहता हूँ तो कहीं ना कहीं ये बातें पॉलिटिकल लगती, सोशल नहीं लगती, यहाँ दिल से नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि आज की मौजूदा हालात जिस तरह देश को बांटी जा रही है धर्म के नाम पर बहुत शर्म आती है। हम लोगों ने किताब में कहीं नहीं पढ़ा कि तू हिंदू है या मैं मुसलमान। हम लोगों ने पढ़ा हम एक स्टूडेंट है, हमें देश का भविष्य बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को इंजीनियर बनना है। आज मैंने बच्चों के माध्यम से आप सबों को दावत इसलिए दी है कि सारी दुनिया आज फेसबुक की दौर है, हम चाहेंगे ये सारी इवेंट्स हम अपलोड करें ताकि दुनिया में ये मैसेज जाए कि देश में आज हम हिंदू मुसलमान बड़े होने के बाद ये गंदी बातें करते हैं, पर बच्चे कल भी पाक थे आज भी पाक है। ये बच्चे हैं आज हमारा देश धर्म के नाम पर हैंडीकैप हो गया है, यही बच्चे आने वाले दिन में इस हैंडीकैप देश को चलाएंगे उठाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये हिंदू है मुसलमान नहीं, ये बच्चे हैं, बच्चों का कोई धर्म नहीं होता। हम भी जब पढ़ते थे छोटे थे तो अपने दोस्तों को उनके नाम से जानते थे उनके धर्म से नहीं जानते थे। तो आज भी मैं अपील करता हूँ इस 15 अगस्त के दिन में कि हमारी फंडामेंटल राइट है उसे बचाएं, देश को साफ सुथरा रखें, देश को सिर्फ गंदा उठाने से ही सफा नहीं होगा, दिमाग से गंदगी को दूर करने से सफा होगा। वो गंदगी धर्म के नाम है, धर्म को नाम को धर्म में रखें, दिल में रखें, पर समाज में आए तो सामाजिक काम करे, इससे बड़ा कोई देश में दक्षता नहीं है, इससे बड़ा तरक्की की कोई बात नहीं है। रहेगी बात आपको पैट्रोनेस दिखाने की कि मैं कितना बड़ा धार्मिक हूँ, कितना देश को प्यार करता हूँ, तो वाकई में देश हमारी माँ है। माँ के सामने एक ही बात कहूंगा, आप खुले तो चेहरा मेरी माँ का हो, आप बंद हो तो सपना मेरी माँ का हो, मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, पर सत्य है कि कफन की जगह दुपट्टा मेरी माँ का। ये हम सब देशवासी अपने तमाम देशवासी से अपील करते हैं कि हम सब हिंदुस्तानी है, ना कि हम हिंदू या मुसलमान है। इंसान का बच्चा हो, इंसान बनकर आया हो, इंसान बनकर दफा होऊंगा। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। की बदौलत नहीं मिली थी ये आजादी, किसी एक धर्म के वजह से नहीं मिली थी, इसमें गांधी जी का भी हाथ था,
जो हिंदू थे, इसमें अशफाकुल्ला खान का भी हाथ था जो मुसलमान थे, इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी हाथ था जो बंगाली थे, जो हम सब ने मिलकर ये आजादी ली है। और आज ये जो आजादी हम मना रहे हैं, मैं तुम सब से एक बहुत ही ठकपा बिल्कुल ही प्यारा सा एक मैसेज देना चाहता हूँ जो काफी चटपटा है, गौर से सुनना। ये आज जो लोग जात पात धर्म के नाम पर जो जिसे भी समझाए, इन सब बातों में कभी मत आना, क्योंकि मेरे एक शायरी गौर से सुनना और समझना, बहुत ही चटपटा है। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई तो बकरा मुसलमान हो गया, न जाने कब रंगों का बंटवारा हो गया कि हरा मुसलमान तो लाल हिंदू हो गया। अब इसी तरह अगर रंगों का बंटवारा रहा तो दिन दूर नहीं जब हिंदू भाइयों के हाथ सिर्फ लाल टमाटर और सब्जी रह जाएगी और हम मुसलमान के हाथों सिर्फ हरी सब्जी रह जाएगी। और अब इस रंगों का बंटवारा अगर इसी तरह चलता रहा तो बताओ इस तरबूज का क्या होगा, ये तो बेचारा अंदर से हिंदू और ऊपर से मुसलमान ही रह जाएगा। तो आप सब प्यार से इस बात को समझें और बस इतने ही कहूंगा कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, न गीता बुरा है न कुरान बुरा है, जो आपस में इंसान को इंसान से लड़ाए बस वो इंसान बुरा है।